Greetings everyone, this is Rashi Gaur, astrology, Vastu, Feng Shui, numerology expert, simplifying Vedic knowledge for you. Today in my 5 tip series, I've got you yet another interesting video. We are going to talk about the boundary walls. See, the boundary walls of the house are pretty much a very, very neglected aspect of the house. हम पूरे टाइम यही कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने अंदर का घर कैसे खूबसूरत बनाएं एंड सो मेनी टाइम्स ओवर द इयर्स द बाउंड्री वॉल स्टार्ट्स टू गेट रियली रियली निग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड. कुछ ऐसी पांच चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, द डूज एंड डोंट्स दैट आर सो इम्पॉर्टेंट इन अट्रैक्टिंग दैट अबंडेंस इनटू योर लाइफ. टिप नंबर वन, हाइट ऑफ द बाउंड्री वॉल. क्या हाइट होनी चाहिए? अगर बाउंड्री वॉल इतनी ज़्यादा ऊँची है दैट इट योर हाउस लुक्स लाइक अ फोर्ट्रेस, it can actually engulf your house and over a period of time the financial stability goes from the house. Agar wo itni neechi hai where it is absolutely ineffective, your house will not feel protected. What is the perfect height of the boundary wall? Jo aapke ghar ka sabse lamba insaan hai usse thodi si unchi height ki boundary wall is the perfect way to keep the house protected and to keep the house with good energies for a long period of time. टिप नंबर टू, द ग्रीन मॉस दैट कलेक्ट्स ऑन द बाउंड्री वॉल, जिसको हम हरे रंग की काई कहते हैं, यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द हाउसेज आर नॉट पेंटेड और दे आर नॉट मेंटेन्ड वेल इन द ह्यूमिड कंडीशंस आफ्टर रेन्स ड्यूरिंग समर ड्यूरिंग विंटर डैम्पनेस, तो ये जो मॉस कलेक्ट हो जाती है दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज एंड वेल्थ इशूज टू द रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस. मेंटेन योर वॉल्स वेरी वेल, उनको हर साल पेंट कराएं और कोशिश करें कि अच्छे क्वालिटी का पेंट लें सो दैट योर वॉल्स आर फुल प्रूफ अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ग्रीन मॉस या जिसको हम हरी काई कहते हैं, वो आपके दीवारों पे ना आए तो आपको तरक्की ज़्यादा मिलेगी लाइफ में और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहेगी. तीसरी टिप, कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने घर की जो बाउंड्री वॉल है वो पेड़ पौधों के साथ बनाते हैं, पक्की वॉल नहीं होती. अगर आपके नेबर्स की पक्की वॉल है आपके आसपास और आपकी अपनी वॉल वो पेड़ पौधों के साथ झाड़ियों के साथ बनी हुई है, सो समवेयर यू विल फील दैट इन योर पीयर ग्रुप यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ और दैट काइंड ऑफ पावर विच द अदर पीपल हैव. सो बी वेरी केयरफुल इफ योर नेबर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टर्डी वॉल्स, योर वॉल्स शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी. टिप नंबर फोर, बार्ब्ड वायर्स. हमने कितने घरों में देखा है कि प्रोटेक्ट करने के लिए वो बार्ब्ड वायर्स लगा देते हैं या टूटे हुए कांच दीवारों पे लगा देते हैं. देर आर सो मेनी अदर वेज टू प्रोटेक्ट द हाउस एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम. बार्ब्ड वायर्स एक्चुअली आर वेरी सिंबॉलिक ऑफ प्रिजन्स. अगर हम जेल में जाते हैं, प्रिजन में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लगे रहते हैं. सो वेन योर हाउस हैज दैट काइंड ऑफ अ सेटअप देन वॉट हैपन्स इज कि आपको एक इम्प्रिजनमेंट महसूस होने लगता है अपने लाइफ में. यू स्टार्ट टू फील इम्प्रिजनमेंट विच मीन्स दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू फील वेरी वेरी स्टैग्नेंट. आपके लाइफ में एक अजीब सी स्टैग्नेशन आ जाती है. सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नेवर डू. पांचवा चीज़, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग और स्टडी होनी चाहिए. कभी कभी लोग उसमें विंडोज क्रिएट कर देते हैं, यू नो वेयर यू कैन सी थ्रू द बाउंड्री वॉल्स. Now, the whole idea of boundary walls is to give you protection and to keep you safe from the outside world and to keep your life very private. When this happens, your life is more exposed to the outside world and that security blanket that you require sometimes goes missing from your life. Ideally, your walls should be solid and your walls should be protected with the right height to be able to bring the kind of good abundant energies that you so require in your life. Agar aapko ye video pasand aaya ho to like button zarur dabaye. Aise videos aage dekhne ke liye mera profile follow karte rahe. Do not forget to comment on the comment box if you want to write something, and if you're watching it on YouTube do hit the subscribe button. Until next time.